अगर आपने सुजानपुर जिला हमीरपुर के ऐतिहासिक कांगड़ा शैली पर आधारित भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आने वाले नर्मदेश्वर मंदिर का दीदार नहीं किया तो आज हम आपको इस ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं सुजानपुर शहर के ऐतिहासिक एवं विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा शैली पर निर्मित भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आने वाले नर्मदेश्वर मंदिर की। मंदिर की महत्ता से कोई भी अनजान नहीं है। बात भारतीय पर्यटकों की करें या फिर विदेशी पर्यटकों की, मंदिर में पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। मंदिर अपने आप में कांगड़ा शैली चित्रकला का जीता जागता नमूना है। यही कारण है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से मंदिर की सुरक्षा एवं तमाम अन्य जिम्मेदारियों के लिए दिन रात सुरक्षा के मद्देनजर 4 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इसके साथ साथ मंदिर में विशेष पूजा, प्रातः एवं संध्याकालीन आरती के लिए विशेष पुरोहित की व्यवस्था भी कर रखी है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते जहां पूरे देश में धार्मिक स्थलों को ताले लगाए गए हैं, उसी दौरान सुजानपुर के इस ऐतिहासिक नर्मदेश्वर मंदिर के कपाट भी पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए। हाल ही में जारी केंद्र सरकार की SOP गाइडलाइन के तहत मंदिर अब नियम एवं शर्तों के मुताबिक पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में जाने की पूर्णतः प्रतिबंध है। इसके साथ साथ मंदिर गर्भगृह के बाहर पूजा करने के लिए केवल मात्र 1 मिनट का समय निर्धारित किया गया है, जबकि मंदिर परिक्रमा के लिए 5 मिनट निर्धारित किए गए हैं। मंदिर प्रवेश के दौरान किसी भी मूर्ति या अन्य वस्तु से टच होना पूर्णतः प्रतिबंधित रखा गया है। इसके साथ साथ मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि करवाने पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। मंदिर संरक्षक सोनी प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन आने वाले सुजानपुर के नर्मदेश्वर मंदिर में प्रवेश के लिए नियम एवं शर्तें निर्धारित की गई हैं। वर्तमान में मंदिर की सुरक्षा के लिए 4 कर्मी तैनात किए गए हैं, जो अलग अलग समय में मंदिर की सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात रहते हैं। आपको बता दें कि सुजानपुर के नर्मदेश्वर मंदिर का उल्लेख भारत के साथ साथ विदेशों में भी देखने को मिलता है। मंदिर संरक्षक सोनी प्रसाद की माने तो जो निर्देश मिले हैं उनकी पालना की जा रही है। उसी के मुताबिक मंदिर को खोला और बंद किया जा रहा है। जैसे ही निर्देश उन्हें प्राप्त होंगे, मंदिर को पूर्णतः जनता की सेवा में समर्पित कर दिया जाएगा, जिसके लिए नियम एवं शर्तें मान्य होंगी। संस्कृति विभाग की तरफ से हमें ये निर्देश मिले हैं कि लगातार किसी भी चीज़ को स्पर्श नहीं करना है। मंदिर के अंदर जाना है तो 1 मिनट का टाइम है, और अगर पूरा ये लेना है सर्विस का तो 5 मिनट जाएगा। उसके बाद जो है किसी भी ना पानी से हाथ लगाना है, नलकों से हाथ नहीं लगाना है, और जो भी श्रद्धालु है वो सिर्फ माथा बाहर से टेकेंगे, ना अंदर गर्भगृह में नहीं जाएंगे। और 65 वर्ष की अधिक आयु से और 10 वर्ष की कम आयु से मंदिर में प्रवेश नहीं करते। पूजा स्थल में श्रद्धालुओं की आवाजाही की अनुमति नहीं है। यदि आवश्यक हो तो बैरिकेडिंग के मध्य से श्रद्धालुओं का कम से कम आयान सुनिश्चित किया जाए। अगर संभव हो तो लाइव दर्शन हेतु भीड़ स्थानों पर LED स्क्रीन लगाई जाए, अगर संभव हो तो। स्वास्थ्य विभाग के नियमानुसार संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्थानीय स्वास्थ्य संस्थान के माध्यम से रोग सूचक व्यक्ति की स्वास्थ्य की जांच की व्यवस्था की जाए। मंदिर पुजारियों अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा श्रद्धालुओं के स्पर्श से संबंधित कोई पूजा अनुष्ठान नहीं किया जाएगा। धार्मिक परिसर में किसी भी प्रकार का कार्यक्रम जैसे कीर्तन, विवाह तथा मुंडन संस्कार आदि समारोह करने की अनुमति नहीं है। धार्मिक स्थानों के परिसर में रात्रि ठहराव की अनुमति नहीं है। धार्मिक स्थान परिसर में किसी भी प्रकार का हवन अथवा अधिक संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थान में पैर धोने व सरोवर में नहाने की अनुमति नहीं होगी। जो है भारतीय कल्चर से जो हमें इंस्ट्रक्शन आई हुई है वो हम लोगों को बताते हैं और लोग उनको मानते हैं। बताइए, जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से पूजा जो है वो नित्य, और जब तक निर्देश नहीं मिलते हैं तब तक व्यवस्था ऐसी रहेगी। जैसे ही हमारे पास लिखित में निर्देश मिलेंगे मंदिर पूरी तरह जनता को स्पर्श कर दिया जाएगा। निर्देश नहीं मिलता है हमें तब तक ऐसे ही चलेंगे मंदिर खुलेंगे, और जब निर्देश आ जाएगा तो
मंदिरों के द्वार फिर आपको पता ही है कि जैसे खुलते हैं लोगों की आवाजाही के लिए खुल जाएंगे।